शार्क्स भले इन बच्चों का साइज छोटा क्यों ना हो, बट इनके कपड़े तुम्हारे कपड़ों से भी ज़्यादा महंगे आते हैं। शार्क्स हर पेरेंट्स अपने बच्चों को क्यूट और स्टाइलिश ड्रेसेस पहनाना चाहता है, पर प्रॉब्लम ये है कि 3 से 4 महीने के बाद ये कपड़े उनको फिट होना ही बंद हो जाते हैं। शार्क्स ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा क्लोज है मेरे, क्योंकि जब मैं मेरी बेटी के लिए शॉपिंग करने मार्केट में जाती थी तो जितनी भी ट्रेंडी और फैशनेबल मुझे चीज़ें पसंद आती थी वो बहुत ही ज़्यादा महंगी होती थी। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सिर्फ मेरी प्रॉब्लम नहीं थी, मेरी जैसी हज़ारों लाखों मिडिल क्लास मदर्स की प्रॉब्लम थी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लेकर के आए स्टाइलो बकेट्स है ब्रांड। हाय शार्क्स, मेरा नाम है निधि गौतम और मैं कमल त्रिपाठी। हम आए हैं दिल्ली से और हम हैं को फाउंडर स्टाइलो बग। तो शार्क्स, स्टाइलो बग एक मास प्रीमियम किड्स वेयर ब्रांड है। इसमें हम 2 से 16 साल तक के कपड़े बच्चों के लिए बनाते हैं जो फैशनेबल तो हैं पर साथ में अफोर्डेबल भी। हमारे प्रोडक्ट की रेंज जो है वो 300 से लेकर के 5000 के बीच की है। शार्क्स ये ब्रांड 2018 नवंबर में लॉन्च हुआ है, तब से लेकर के अब तक हम 10 लाख से भी ज़्यादा बच्चों को स्टाइलिश बना चुके हैं। हमारे प्रोडक्ट्स हमारी खुद की वेबसाइट stylobug.com और कई सारे मार्केट प्लेसेस जैसे मिंत्रा, नायका, फर्स्ट क्राई में अवेलेबल हैं। हम ऑफलाइन भी 10 से ज़्यादा मल्टी ब्रांड स्टोर्स में अवेलेबल हैं। शार्क्स, हमारा विजन है कि हम हर बच्चे के चेहरे पर मुस्कान ला सकें, उनको स्टाइलिश कपड़े पहना सकें और साथ में स्पेशली पेरेंट्स को हमें गिल्ट फ्री शॉपिंग एक्सपीरियंस दे सकें। तो इसके लिए हमारा आस्क आपसे है 80 लाख फॉर 2% ऑफ द इक्विटी। तो शार्क्स, अब हर दिन हर बच्चा बनेगा स्टाइलिश विद स्टाइलो बग। निधि एंड कमल, वेलकम टू शार्क टैंक स्पेशल एपिसोड। थैंक यू शार्क्स। तो ये बच्चे आपके? दो मेरी क्रिएशन है। धंधे से पहले जानना चाहते हैं आप दोनों के बारे में, क्यों आपको स्टाइलो बग शुरू करना था और एक आपका पर्सनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए। मैंने आईटी दिल्ली से 2004 में ग्रेजुएशन किया हुआ है। उसके बाद से मैंने फॉर 10-15 ईयर्स मैंने टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में काम किया हुआ है। उसमें से 10 ईयर्स ई कॉमर्स सेक्टर में काम किया हुआ है, जिसमें कुछ मार्की कंपनीज लाइक स्नैपडील, जोमैटो और अमेजोन में मैंने काम किया हुआ है। अगर आपने स्नैपडील का कभी मोबाइल ऐप यूज़ किया हो तो उसको पाइनियरिंग मैंने और मेरी टीम ने बिल्ड किया था। आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो? जी। मैं खुद MBA हूँ और मैंने कॉर्पोरेट में 4 ईयर्स B2B सेल्स में जॉब करी हुई है। तो आपने जब ये स्टार्ट, एक तो ये शैतानी बहुत कर रहा है। आ, 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 आ। इनको हम छोड़ के आते बैकस्टेज। अमिशी, चलो बेटू, कम 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 कम। बाय, थैंक यू अमिशी को। ये आपने इस बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं था? कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। All of a sudden, एक दिन मैंने सुबह उठ करके इनको बोला, I want to be a garment manufacturer. तो इन्होंने पूछा कि कितने पैसे चाहिए, मैंने अभी तो 15,000 दे दो। और फिर क्या किया next time? मैंने जो बुटीक से मैं कपड़े सिलवाती थी, अट्टा मार्केट नोएडा में आपने सुना होगा, मैं उस सारे बुटीक्स में गई अट्टा मार्केट के और मैंने सबको बोला कि मुझे एक टेलर चाहिए है। और विद इन 2 डेज मेरे पास कॉल आ गया कि एक टेलर मुझे मिल गया है। दूसरे दिन मैं उसके साथ गई और मैंने मशीनें खरीदवाई और मैंने वो मशीनों का अपने 2BHK घर में एक सेटअप स्टार्ट किया। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। आपने इन्हें कब ज्वाइन किया? तो मैंने इनको 1.5 साल पहले June 21 से ऑनवर्ड से मैं फुल टाइम मैंने इनको। क्यों डिसाइड किया ज्वाइन करना? जब मैं जॉब में था तो मैं एज एन इन्वेस्टर इनको थोड़ा मनी प्रोवाइड करता था, साथ में इनकी जो भी प्रॉब्लम्स होती थी वीकेंड पे मैं सुनता था और प्योरली फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स परस्पेक्टिव जैसा स्टार्टअप में होता है मैं इनको सोल्यूशंस प्रोवाइड करता था। अलॉन्ग द वे स्टाइलो बग का ग्राफ काफ़ी फास्ट राइज कर रहा था और 21 के बियॉन्ड फिर इन्होंने बोल दिया कि अगर इसके बियॉन्ड ग्रोथ चाहिए तो यू विल हैव टू कम फुल टाइम, अदरवाइज ये इसी लेवल पर चल सकता है, क्योंकि फिर निधि अपना प्रोडक्शन, डिजाइनिंग, सोर्सिंग हर चीज़ खुद ही देख रही थी। तो CEO निधि है? हाँ जी। या वो बहुत स्ट्रिक्ट बॉस है क्या, आप इतना दूर खड़े हो?
काफी हाई पेइंग जॉब छोड़ के आपने ज्वाइन किया है इस इधर। कुछ बड़ा करने के लिए बड़ा रिस्क भी लेना पड़ता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बोला। अच्छा बताइए, डिजाइन कौन करता है आपके वहाँ? डिजाइन पूरी अभी तक मैंने ही करी है, बट अभी लास्ट वन ईयर से आई हैव डिजाइनिंग टीम, तीन चार लोगों की टीम। और मैन्युफैक्चरिंग का होता है? खुद का ही मैन्युफैक्चरिंग भी है। जब आप ऑटोमेट करते हैं तब सम अमाउंट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन होता है, राइट? और आपका इतना बड़ा रेंज है, 2 years to 16 years, ये वाइड रेंज हो गया, बॉयज एंड गर्ल्स, इवन विद इन गर्ल्स कैजुअल भी है, ब्लिंग भी, मतलब यू नो पार्टी वेयर भी है, एथनिक वेयर भी है। तो जब इतने सारे आपके ऑप्शंस होते हैं तब स्टैंडर्डाइज करना और मैन्युफैक्चर करना, बिकॉज यू हैव टू चेंज द बैचेस, तो वो आप कैसे प्लान करते हैं? अभी आज के डेट में चूंकि डेड स्टॉक एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस इंडस्ट्री में, उसको सॉल्व करने के लिए हम पहले स्मॉल बैचेस में लॉन्च करते हैं और उसका रिस्पॉन्स आते ही हम उसको लार्जर क्वांटिटीज में प्रोड्यूस करते हैं, या रिस्पॉन्स नहीं आता है तो 1 से 2 महीने में फेज आउट कर देते हैं उसे। हमारा एक प्रोप्राइटरी ERP सॉल्यूशन है। इवन वेंडर्स के लेवल तक कितना रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना है, वहाँ पे लो MOQ रखना है, ये सारी स्ट्रैटेजीज हमने ओवर द ईयर्स इन बैकवर्ड इंटीग्रेशन मॉडल फिगर आउट करके ऑपरेट की हुई, इसलिए भी आप इतनी रेंज हमें देख पा रहे हैं। तो आपका इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड मतलब काफी कम होना चाहिए, जो आपने बताया उसकी वजह से कितना है? शार्क्स हमारा 2 से 3 महीने का होल्डिंग पीरियड है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि काफी स्क्वीज साइकिल होगी। आप जब पूरी पेज दे रहे थे मुझे लग रहा था कि आपका जो इन्वेंट्री टर्न होगा बहुत लाइक 30 days विल बी ग्रेट। Like all the big houses plan 6 months in advance and produce. तो अपने छोटे स्टार्टअप जो होते हैं वो इनोवेट करते हैं अपने इन्वेंट्री टर्न्स पे। वो इनोवेशन अभी नजर नहीं आया आपने जितनी पिच दी उसके बाद। सर वो इनोवेशन है एक्चुअली, देखिए जो हम 3 महीने की इन्वेंट्री बोल रहे हैं वो हमारे बेस्ट सेलर की है। जो हमारे कम बिकते हैं वो तो आप समझो हमारे पास 15-20 दिन से ज्यादा हमारे पास उसकी इन्वेंट्री नहीं रहती है। बट बेस्ट सेलर हम बार बार बनाएं, और क्योंकि उसकी क्वांटिटी हमारे पास ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं तो हम उसमें बना करके हम रख देते हैं 3 months का स्टॉक, कि हम अब दूसरों पे फोकस करेंगे जो नए स्टाइल्स हम लॉन्च कर रहे हैं। तो निधि कमल आपकी सेल कितनी है? सुशाक लास्ट ईयर हमने क्लोज किया था 14 crore पे और इस साल भी ऑलमोस्ट हम सेम लेवल पे क्लोज करेंगे। लास्ट मंथ 46 lakhs, उससे पहले 42 lakhs, सेल से पहले 50 lakhs। सेल ग्रो क्यों नहीं हो रहा? कम हो गई है इनफैक्ट। एक्चुअली जो हमारा आफ्टर दिवाली से लेकर के जनवरी तक थोड़ा सा लीन सीजन होता है, बिकॉज हम विंटर वेयर नहीं बनाते इस साल तक, नेक्स्ट ईयर हम वो भी लॉन्च करेंगे। अब जैसे फरवरी आ गया, एथनिक वेयर का तो पीक होना चाहिए। एग्जैक्टली, शादी का सीजन है। ये जो रेवेन्यू आ रहा है ये एथनिक वेयर से ही आ रहा है। दीदी आप एक बार एथनिक के बारे में बात करें, कपड़े भी दिखा दीजिए, लुक एंड फील कर लेते हैं एक बार। बिल्कुल बिल्कुल। गुड कलर, वाइब्रेंट कलर, बढ़िया। मेरे को फ्रिल वाली जो फ्रॉक दिख रही ना वो बड़ी सुंदर लगी। और ये क्या प्राइसिंग रहती है इन ऐसे? ये हमारा है ₹815। तो ₹800 इसके लिए ठीक है, ज्यादा है कम है क्या है? कम है। अच्छा, नॉर्मली इससे महंगी आती है? हाँ जी। ये 800 MRP है या सेलिंग प्राइस है? सेलिंग प्राइस है ये, सेलिंग। तो MRP क्या होगा इसके ऊपर? आप 50% ऐड कर लीजिए। आप 1600 का टिपिकली होगा। हाँ जी, हाँ जी। तो आप एक बार बता दीजिए बनता कैसे है, क्या आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, यूनिट इकोनॉमिक्स थोड़ा समझा दीजिए उसको। अगर हम नेट इसको ₹100 का अगर मानते हैं तो उसमें हमारा कॉग्स होता है ₹45, तो हमारा ग्रॉस हो गया 55%। उसके बाद 30% ट्रेड मार्जिन, जिसमें मार्केट प्लेसेस के कमीशन, लॉजिस्टिक चार्जेस, पेमेंट गेटवेज और हमारी मार्केटिंग खुद पूरा मिला करके 30% होता है। 5% और खर्चे जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रेंट हो गया, ये सारी चीज़ें। हमारा सिर्फ 1% एम्प्लॉई कॉस्ट है, क्योंकि वहीं पे जो ERP टेक हमने अप्लाई किया हुआ है, अगर हम प्रोडक्शन और डिस्पैच की टीम्स को अगर रिमूव कर देते हैं तो हमारा पूरे स्टाफ में बस मैं, निधि और एक और पर्सन है। बहुत बढ़िया। फाइनल कितना पहुँचे? फाइनल हमारा जो नेट मार्जिन है दैट इज 17-18%। 14 crore की सेल में आपने कम से कम 2.5 crore के आसपास कमाया। दो ढाई करोड़ सही है। फिर यहाँ क्या कर रहे हो? क्योंकि उतने में रुकना नहीं है ना, इसको और बहुत बड़ा बनाना है। क्या क्या एम्बिशन है आपका?
कुछ ब्रांड्स हैं जैसे जिनी एंड जॉनी है वो 4,000 करोड़ के रेवेन्यू पे हैं, आपके लिलीपुट हैं जो बेसिकली 700 से 800 करोड़ के रेवेन्यू पे हैं। जबकि अगर आप पूरा मार्केट अगर देखें तो पूरा मार्केट अपने आप में 1.5 लाख करोड़ का मार्केट है जिसमें सिर्फ 30% ही ऑर्गेनाइज है, रिमेनिंग स्टिल अनऑर्गेनाइज। हम उसमें से एक सबसे बड़ी ब्रांड बनना चाहते हैं। वो लोग अच्छा क्यों कर रहे हैं? वो लोग सिर्फ कैजुअल में डील करते हैं क्योंकि कैजुअल पूरे साल भर दिखता है। तो वो तो बेटर बिजनेस कर रहे हैं, मतलब ज्यादा स्केल पे कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं करना चाह रहे? वो फोकस्ड है ना, अगर उसको आपको करना है तो वही करना होगा जो वो कर रहे हैं कि उसमें एक ही डिजाइन में आप कपड़े चेंज कर करके आप मार्केट में निकालते रहो। एक पॉइंट के बियॉन्ड आप उसमें ग्रो नहीं कर पाएंगे। पिछले साल आपने किया 14 करोड़, इस साल भी कर रहे हो 14 करोड़, ग्रो तो आप भी नहीं कर पाते। हम अभी तक मार्केटिंग में हम कंसिस्टेंट मनी स्पेंड नहीं कर रहे थे, कुछ कभी हम कुछ मंथ्स में कर रहे थे कुछ में नहीं कर रहे थे, दैट वॉज वन मिस्टेक। सेकेंड वॉज कि हमारी टीम में भी अभी तक काफ़ी ज़्यादा लीन टीम थी जो कि अब स्केल के बियॉन्ड इस बिजनेस को ले जाने के लिए काफ़ी नहीं है। अभी अपना मार्केटिंग कॉस्ट कितना है अभी? तो ओवरऑल नेट सेल्स का 4-5%। डिजिटल मार्केटिंग आप खुद कर रहे हो? डिजिटल मार्केटिंग पे वेबसाइट और जो बाकी चैनल्स हैं वो अभी हमने 3-4 महीने पहले ही लॉन्च किए हैं। वंस वी रियलाइज कि दिस इज अ मिस्टेक एंड नाउ वी विल हैव टू डाइवर्सिफाई, तो ये जो D2C साइड वाला जो पोर्शन है ये अभी हमारा जस्ट 4-5 मंथ्स ही ओल्ड है। कितना बिजनेस आता है D2C से? आप खुद के वेबसाइट D2C से सिर्फ 5% अभी आता है। देखो ना, आपके डिजाइन लैंग्वेज थोड़ी सी कमजोर लगी, मतलब मेरे को नहीं लगे कि ये इतने स्टाइलिश हैं। और सेकंड, मुझे लगता है कि अभी आप लोगों को बहुत हसल करने की जरूरत है, और D2C में भी आपने प्रूव नहीं करा अभी तक कुछ। आप चाहते हो कि कोई आके बस आपकी हेल्प कर दे और बना दे? नहीं, आपको खुद करना पड़ेगा। यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ फॉर नाउ। मैं अमन के साथ अग्री करूंगी कि मुझे डिजाइन्स में ऐसे कुछ अलग दिख के नहीं आया कि देयर समथिंग डिफरेंट। ये जो पूरा सेक्टर है, आप कितने भी मार्केट प्लेसेस में जाओ ऑनलाइन या ऑफलाइन, कमोडिटाइज हो गया है पूरा का पूरा। एंड सो आई डोंट थिंक दैट बियॉन्ड अ पॉइंट डिफरेंशिएटर के बगैर आप कुछ एक हद तक रेवेन्यू बना पाएंगे। आई डोंट थिंक इट्स इन्वेस्टेबल एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट। द बिगेस्ट रीजन जो आपका प्रोडक्ट चल रहा है इज प्राइस पॉइंट। 1600 का लिस्टेड 800 में 50% डिस्काउंट पे अगर मिल जाए एंड तो सस्ता समझ के कि 6 महीने में पहना के बच्चे को निकाल देंगे, वो लॉजिक से कंज्यूमर खरीद रहे हैं। बच्चों के केस में सस्ते के बेसिस पे बड़ा ब्रांड बनाना आई फील लॉन्ग टर्म में मुश्किल होगा, तो फॉर दैट रीजन आई एम आउट। बट ऑफकोर्स 2.5 करोड़ का प्रॉफिट निकालना पूरा बूटस्ट्रैप करके 15,000 से स्टार्ट करके बहुत काबिले तारीफ है। सो गुड जॉब ऑन दैट निधि, स्पेशली यू, ग्रेट सर। आप बोल रहे 50 लाख आपने जनवरी में किया था, पिछले जनवरी में क्या सेल था आपका? लास्ट ईयर जनवरी में भी सिमिलर नंबर थे, फ्लैट ही था। ये जो लीन सीजन के नंबर्स हैं, बट फ्लैट ही था, मतलब उसमें लीन सीजन का ग्रोथ नहीं है। देखो कमल और निधि, मेरी खुद बेटियाँ है, मैं कुछ शॉपिंग भी करता हूँ, बट डिज़ाइन इतना मतलब फ्लैम्बॉयंट नहीं लगा, इतना वाइब्रेंट लगा नहीं। सेकंड, आप बोलते हो ब्रांड बनाना है, आप बोले ब्रांड का कीड़ा स्टाइलो बग, बट वो खाली टैग में पीछे लगा हुआ है, अदरवाइज कपड़े देख के कहीं नहीं लगता कि ये स्टाइलो बग का है। कुछ भी एक मार्क नहीं दिख रहा, एक ब्रांड मार्क भी नहीं है, तो ओवरऑल आप जो करना चाह रहे हो, जो आप कर रहे हैं, तो आई थिंक उसमें थोड़ा डिस्पैरिटी है। आई बिलीव दैट आज इसमें अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा तो शायद मेरा पैसा नहीं बनेगा, एंड फॉर दैट्स द रीजन आई एम आउट। आपके अभी इंस्टाग्राम फॉलोअर्स कितने? 3,000+। इतने कम क्यों, आपने फोकस नहीं किया उस पर? फोकस अभी जस्ट जब से हमने वेबसाइट लॉन्च की है तब से हमने किया है। ये जो हमारे 3,000 फॉलोवर्स है, जस्ट अब मेहनत ऑफ आप समझ लो 2-3 महीने। मुझे लगता है कि फाइटर हो, आपने रिस्क भी लिया लाइफ में, और निधि तो मतलब मेरे को लगा बहुत ही इंप्रेसिव हो आप, घर बैठ के 14 करोड़ का धंधा बनाना, पूरा भारत इंस्पायर हो रहा है आपसे। देखो मैं ना जो ऑफर दूंगा, इट्स बेसिकली बेसिस माय ओन स्किल की, मैं अगर घुसूंगा इसमें तो वी आई हैव टू वर्क विद यू ऑन डिजिटल मार्केटिंग साइड। आई विल इन्वेस्ट 80 लाख्स एट 10%।
8 crore वैल्यूएशन मैं लगा रहा हूँ, कम है वैल्यूएशन आया बट आई एम वैल्यूइंग माय टाइम, आई हैव टू पुट मेक दिस हैपन। अमित, एक काउंटर करना चाहूँगा, 80 लाख फॉर 5.71% इक्विटी, जो कि होता है 14 करोड़ का वैल्यूएशन कंपनी। अगर मैंने पहले 5% ले भी लिया, लेट्स अज्यूम, और मैंने कुछ टाइम स्पेंड नहीं किया और केवल पैसा लगा दिया, अरे फ्लैट सारा जैसे अभी चल रहा है 14 करोड़, और आपका 2 करोड़ 2.5 करोड़ का प्रॉफिट है, 5-5% करके आपने मेरे रिटर्न भी दिया, तो 10-10 लाख करके तो क्या 8-10 साल लग जाएंगे रिटर्न निकालने। इसलिए मैंने अपनी तरफ से फेयर ऑफर दिया, तो मैं उस पर नॉन नेगोशिएबल ऑफर दे रहा हूँ, मैं उतने में स्टिक करूँगा। तुम कॉल ले लो जो तुम्हें गट फील लगता है। ओके शार्क्स, डील पक्की। स्टाइलोबर्ग एड्स अमित जैन एज द न्यू स्टाइल आइकॉन। अब हो जाएगा स्टाइल देखो। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू अमित। थैंक यू सो मच। प्लेजर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू शार्क्स। थैंक यू। बाय बाय।